हेलो दोस्तों, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो एंड यू वाचिंग फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि एक अभी रिसेंट में वैकेंसी आई हुई जो कि एनआईटी जालंधर के अंतर्गत आई हुई है। इसमें वैकेंसी आई हुई है जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है और अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जो कि नॉन फैकल्टी का है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। इसकी वेबसाइट है nitj.ac.in। जैसे हम गूगल पे एनआईटी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से वीडियो आपको जो शो हो रहा है, इस तरीके से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देखते हैं न्यूज़। न्यूज़ में सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आया हुआ एप्लीकेशन ऑन नंबर 13/2019। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो एक पेज डाउनलोड ओपन होगा, कुछ इस तरीके से वो आपको शो होता रहेगा। जैसे हम यहाँ पर शो होता पेज देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसी आपको यहाँ पर कोई मेंशन नहीं की गई है लाइब्रेरी के कितनी वैकेंसी आई हो, बट इसके साथ में SAS असिस्टेंट 1 वैकेंसी जनरल के लिए और जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी OB। इन तीन नंबर की वैकेंसी में कंबाइन किया गया है लाइब्रेरी की वैकेंसी के साथ में। सबसे पहले हम इसकी अगर बात करते हैं, इसका पे स्केल बात करते हैं, इससे पे स्केल 6 लेवल पे आएगा 35,400 से 112,400 तक इसका पे दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा इसका एडवर्टाइजमेंट के अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप होने का डेट है वो हमारा है जो कि 2 सितंबर 2019 से स्टार्ट होने वाला है, जो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पर से देख सकते हैं 2 सितंबर 2019 एंड हाईलाइट कर देता हूं मैं, आपको ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। यहां पर आपको लास्ट डेट जो आपको दी गई है एप्लीकेशन क्लोजिंग की वो 2 अक्टूबर 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर उसको आपको ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस पेमेंट करने के बाद आपको एक PDF फॉर्म में हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट में जैसे बताया गया है कि यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है रजिस्ट्रार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी POREC कैंपस जालंधर 144011 बाय 9/10/2019 टिल 5 PM तक आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर हम एप्लीकेशन के फी की बात करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए ₹500 ओनली है और ST, SC, PW एंड वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई फी अप्लेबल नहीं है। यदि आप एक बार फी सबमिट कर दे तो आपको रिटर्न नहीं होगा और फी पे करने का प्रोसेस है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो आपको फॉर्म अप्लाई होगा तो उसके अप्लाई करने के बाद आप रिलेटिव डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेंड करना पड़ेगा। जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हमारा आपको शो हो रहा है एड्रेस, उस एड्रेस में आपको 9 अक्टूबर 2009 तक आपको सेंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनवलॉप्स पे आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका एनवलॉप्स होगा एनवलॉप्स के टॉप पे इसको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो थोड़ा सा हम इनके बात कर लेते हैं तो उसमें से जो आपका एज की लिमिट है वो है एस लिमिट, आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपको कितना एस लिमिट। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है एस लिमिट के बारे में, बट हम यहाँ पर अगर कहते हैं तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जब वहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जाएगी। यहाँ पर एस के बारे में कुछ भी नहीं दिया। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स की यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज
एज कैटेगरी एंड सैलरी अदर के बारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस असिस्टेंट के लिए आपको पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेना है ये जैसे यहाँ पर दिया गया। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के एस पर सेक्शन स्ट्रेंथ है वहाँ पर बताया, जैसे बताया था मैंने 3 वैकेंसी का है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 इसमें से हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन बी ग्रुप के लिए पे स्केल का आपको बता दिया गया था 9,300 से 34,800 तक अप्लीकेबल होगा। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज के लिए 30 इयर्स होगा, और अगर अपर एज है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको छूट दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं लाइब्रेरी की क्वालिफिकेशन के लिए, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, और डिजायरेबल फॉर सी ओनली, सी मतलब लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो ये है सी, सी मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग हो, या फिर आपको PGDCA हो या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हो, PG डिप्लोमा हो, आपको यहाँ पर सभी का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको एनवलॉप्स में फिलअप करके जो एड्रेस दिया गया है आपको एड्रेस पर आपको जाके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। हम आपको एक बार अगेन एड्रेस दिखा देते हैं जिससे आपको कन्फर्म हो जाए। ये जैसे आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी POREC कैंपस जालंधर 144011 बाय 9 अक्टूबर 2019 तक आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। इसकी सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम इसी का नेक्स्ट दूसरा पार्ट अप्लाई करेंगे जब ये 2 सितंबर से स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन होने लगेगा, तो लिंक एक्टिव होने पर हम ऑनलाइन का फॉर्म पूरा प्रोसेस बता देंगे कैसे फिल किया जाएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।